एक मानव दो पैर से इसलिए चलता है कि उसके सामने कुछ लोग दो पैर से चल रहे होते हैं और वो उसको दो पैर से चलने के लिए सहयोग करते हैं। एक बच्चा कुछ दिन बाद बोलने लगता है क्योंकि उसके घर में कुछ लोग हिंदी, इंग्लिश, मराठी, छत्तीसगढ़ी, गुजराती बोलते होते हैं। एक बच्चा कुछ दिन बाद अपने आप खाना खाने लगता है, पानी की प्यास को पहचानने लगता है। और आगे बढ़ते हैं तो हमारी गाड़ियां पहले से बेहतर हुई हैं कि कमजोर हुई हैं, हमारे मकान, मोबाइल, बिल्डिंगें, कारें, संबंध। ऑब्जर्वेशन लेने की बात है, कितने लोग ये मानते हैं कि उन्होंने सुना है कि मानव गलतियों से सीखता है। मानव गलतियों से सीखता है, ये हम अधिकांश लोगों ने सुना है। तो यदि मानव गलतियों से सीखता होता तो एक परिवार में यदि आज पति पत्नी का, भाई बहन का, भाई भाई का झगड़ा हुआ और प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया, तो अगली पीढ़ी उसको देख के पहले से बेहतर होती कि पहले से कमजोर होती? यदि सास बहू का झगड़ा हुआ तो उस सास बहू का झगड़ा आज हुआ तो कल उससे कम होता, परसों उससे कम होता, बुढ़ापे तक आते आते खत्म हो जाता। तो कोई भी पारिवारिक सास बहू के झगड़े हों कि भाई भाई के प्रॉपर्टी के बंटवारे हों, है ना, या पार्टनर्स के साथ में झगड़े हों, यदि आदमी गलतियों से सीखता तो उम्र के साथ साथ ये झगड़े कम होने की आवश्यकता थी। यदि गलतियों से सीखता तो ये सारे झगड़े उम्र बढ़ने के साथ साथ घटते हुए दिखाई देते हैं कि बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? मानव मानव का साथ साथ जीना और ये उसके झगड़े घटते हुए दिखाई देते हैं कि बढ़ते हुए दिखाई देते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ, एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ, सुविधाएं बढ़ने के साथ साथ आदमी के साथ जीने का विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है या घटता हुआ दिखाई देता है? तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक हमारा बहुत एक सोचने लायक चीज है कि क्या हम गलतियों से सीखते हैं? यदि हम गलतियों से सीखते होते तो परिवार में एक बार झगड़ा हुआ, अगली बार झगड़ा उससे कम होता, अगली बार उससे कम होता, अगली बार उससे कम होता। लेकिन झगड़ा पहली बार जैसा होता है, अगली बार उससे छोटा होता है कि बड़ा होता है? अगली बार उससे बड़ा होता है। धीरे धीरे एक छत के नीचे रहते हुए, देखिए मैक्सिमम पार्टनरशिप ऐसा बोलते हैं कि 3 साल में, फिर मोर देन 50% पार्टनरशिप 3 साल में टूट जाती है। शादी के पहले लोग जितनी बातें करते हैं, शादी होने के बाद जैसे जैसे शादी के साल बढ़ते हैं, ये आपस में बातचीत बढ़ती जाती है कि घटती जाती है? शादी के पहले बिना बोले भी ऐसा लगता है कि इसने कुछ बोला, कुछ बोला क्या? बोले कुछ नहीं बोला। और शादी के बाद है ना, इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं फिर भी सामने वाला सुनता ही नहीं। जा, पत्नी का फोन देखा, नहीं उठाया। तो मैंने जो पूरी बात अभी तक कहने की कोशिश की, उसमें एक तो ये कहने की कोशिश की कि क्या हम गलतियों से सीखते हैं, ये हमको इस पे सोचना होगा। इसका मतलब है कि एक बच्चा दो पैर से चल पाया तो वो गलतियां करके दो पैर से चल पाया? एक बच्चा यदि दो पैर से चलना सीख गया तो गलतियां कर करके सीख गया? या उसके सामने कोई सही का रेफरेंस मौजूद था, दो पैर से चलने वाला कोई उसके सामने मौजूद था, वो उसको दो पैर से चलते हुए देखता था और रोज देखता था, इसलिए वो दो पैर तक चलने के क्रम में इवोल्यूशन, उसको गलती ना कहें, वो इवॉल्व होता हुआ दो पैर तक पहुंच गया। तो मानव गलतियों से सीखता है, या मानव के सामने कोई सही का रेफरेंस होता है
कोई सही आचरण उसके सामने उपलब्ध होता है, वो सही आचरण को स्वीकार लेता है और इवॉल्व होता हुआ वहां तक पहुंच जाता है, ऐसा बोले, या मानव गलतियों से सीखता है? ये बात पहुंची? संबंध में घर में जीते हुए लोग उपलब्ध नहीं है, घर में चुगली चुगली कार्यक्रम पर्याप्त मात्रा में चलता है, आओ चुगली चुगली खेलेंगे, इसकी कोई एप्लीकेशन बन जाए तो सबसे अधिक पॉपुलर होगी, तो लोग दूर बैठे बैठे भी, है ना? तो इसका मतलब है कि यदि घर में बच्चा देखता है कि ये अपनी सास के लिए, दौरानी के लिए, जेठाने के लिए, भाई के लिए किस तरह से बात करते हैं, अमीर के लिए, गरीब के लिए किस तरह से बात करते हैं, ब्राह्मण के लिए, मुसलमान के लिए किस तरह से बात करते हैं, क्या एक बच्चे को अपने घर में ये दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? एक बच्चा अपने घर में देखता है। इसका मतलब है मानव मानव में समानता और स्त्री पुरुष में समानता क्या बच्चे को घर में दिखाई देता है? यदि मानव मानव में समानता और स्त्री पुरुष में समानता और संबंधों में तृप्ति पूर्वक जीते हुए लोग, बिना गिला शिकवा शिकायत के जीते हुए लोग उसको घर में दिखाई दे जाएंगे, तो इवॉल्व होता हुआ एक बच्चा 20 साल तक ऐसा पहुंच जाएगा। इसका मतलब क्योंकि उसको चलना तो आ गया। एक बच्चा हमसे बेहतर मोबाइल चलाता है कि हमसे कमजोर चलाता है? हमसे अच्छा मोबाइल चलाता है। गाड़ी हमसे अच्छी चलाता है कि कमजोर चलाता है? उसका लॉजिक हमसे कमजोर है कि ताकतवर है? मैं आपसे पूछता हूं, बड़े लोगों से, कितनी बार आपके परिवार में ये स्थिति बनती है कि जवान बच्चों से चर्चा करते समय आप ये फील कर लेते हैं कि इसका लॉजिक मेरे लॉजिक से स्ट्रांग है, और आप सम्मानजनक तरीके से विड्रॉल कर लेते हो, क्योंकि आगे जाओगे तो अब आपकी आपका लॉजिक कट जाएगा? कितनी बार ये ऐसा घरों में फील होता है कि नहीं होता? ठीक, इसका मतलब यह हुआ कि बच्चों के पास लॉजिक हमसे ताकतवर है, उनका स्किल हमसे बेहतर है। यदि बच्चे लॉजिक में हमसे आगे निकल पाए, स्किल में हमसे बेहतर निकल पाए, है ना, फिजिकल वर्ल्ड में हमसे बेहतर निकल पाए, इसका मतलब है कि उनका कॉम्पिटेंस लेवल कम नहीं है। फिर वो संबंध में हमसे आगे क्यों नहीं निकल पाए? इतना ही है कि हम में संबंध को आस्थावश निभाने की और झेलने की ताकत जो आस्था से मिली थी, हम बड़े लोगों में संबंध को आस्थापूर्वक, संबंध में आस्थापूर्वक झेल लेने की ताकत जो मिली थी, अब बच्चों में आस्थापूर्वक आस्था नहीं है। लॉजिक आने के बाद आस्था धीरे धीरे ढीला हो गया, इसलिए अब वो झेलने के मूड में नहीं है। जो थे किसी आस्था की वजह से थे, किसी व्यावसायिकता, देखिए मेरे को लगता है कि भारत में ज्वाइंट फैमिली की परंपरा या तो किसान में मिलती है या व्यापारियों में मिलती है, क्योंकि व्यापार और खेती दोनों की आवश्यकता ज्वाइंट फैमिली है। तो ज्वाइंट फैमिली हमारी हमारी व्यवसाय की आवश्यकता से मिली, आस्था से उसका पोषण हुआ, इसलिए लंबे समय तक चल गए। लेकिन उसमें हम झेल रहे हैं, अंदर दूसरों को ये बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। हमारे परिवार में जब बंटवारा हुआ, उसके पहले से 20 साल से अंदर अंदर खराब ही चल रहा था, क्यों? पर चूंकि समाज में परिवार के टूटने को अच्छा नहीं मानते, परिवार के सम्मान के लिए वो ठीक नहीं है, इसलिए 20 साल एक दूसरे को झेल के भी गाड़ी चलाते रहे। अब लगभग चूंकि एकल फैमिली की संख्या बढ़ गई, इसलिए परिवार का टूटना कोई ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है, इसलिए अब ज्यादा लोग झेलते नहीं हैं। और अलग, पहले पति पत्नी पत्नियां कमाती नहीं थी इसलिए जिंदगी भर झेलती थी, अब वो भी कमाती है, उसको लगता है ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है, नहीं चल रहा है तो अलग हो जा। पहले बाप भी बोल के भेजता था, बेटा तेरी अर्थी ससुराल से उठेगी, वही तेरा घर है, वो कहता है कि जब मन लगे वापस आ जाना। यदि इस तरह से देखेंगे तो परिस्थितियां बदली हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि संबंध को जीने की योग्यता सही अर्थों में ना पहले थी ना आज है। तो एक बड़ा निष्कर्ष निकलता है कि मानव गलतियों से नहीं सीखता,
सही उपलब्ध होता है तो सही को छू लेता है। इसका मतलब है कि संबंध में तृप्ति पूर्वक जीने का कोई मॉडल ही हमारे पास नहीं है। आदिकाल से आज तक ऐसा कोई समाज मिला हो, ऐसा कोई समाज किसी रिटन डॉक्यूमेंट में मिलता हो जहां किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं हो, ये कहना बहुत मुश्किल है। माइक माइक माइक। तो हम लोग ये बात को कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि इनडायरेक्टली स्पीकिंग हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि टू कंक्लूड करने के लिए इस पर्टिकुलर पॉइंट को कि हम अपनी इनकेपेबिलिटी संबंधों को जीने की इससे इस पे ब्लेम कर सकते हैं कि हमारे पास कोई परफेक्ट एग्जांपल अवेलेबल नहीं है। मतलब अब इसका मतलब यह हुआ कि जैसे परिवार में गुजराती बोलते हैं, परिवार में गुजराती बोलते हैं तो गुजराती बोलने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कहाँ लगाना पड़ता है। इंग्लिश सीखते हैं तो अलग से ग्रामर वामर सीख लेते हैं और फिर भी वैसी नहीं आती है जैसे हम गुजराती बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो फैमिली में जीने में होता है, जो फैमिली के आचरण में होता है, जो डे टू डे में होता है, वो नेचुरली वो इम्बाइब कर लेता है। लेकिन जो फैमिली में भी उपलब्ध नहीं है उसको वो ना तो इम्बाइब कर पाया और फैमिली में नहीं है इसलिए आगे चल के भी उस पर हम कोई काम कर पा रहे हैं ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बावजूद भी हमारी ये चाहना है, क्योंकि जब भी अपनों से, जैसे मैं पूछूं कि हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया, हमने अपनों से दुख पाया कि परायों से दुख पाया, अपनों से पाया, हाथ खड़े करो, आप नहीं भी खड़े करोगे तो पता। इसका अर्थ ये हुआ, और यदि मैं पूछूं कि आप अपनों को दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो, सुख देना चाहते हो, और आपके वो भी यहां मौजूद होते जिनसे आपने दुख पाया है, अगली बार ले आना, और उनसे पूछ रहे होते तो वो भी क्या बोलते, आप दुख देना चाहते हो कि सुख देना चाहते हो, वो भी यही बोलते सुख देना चाहते हैं। हम दूसरों को सुख देना ही चाहते हैं, हम अपनों को दुख देना नहीं चाहते हैं। कोई बच्चा अपने माँ बाप को दुख देना नहीं चाहता है, कोई पति पत्नी अपने पति पत्नी को दुख देना नहीं चाहते हैं, है ना। इसके बावजूद भी हम पर्याप्त मात्रा में देते हैं। इसका मतलब है कि हमारी चाहत में है, योग्यता में नहीं है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि आम आदमी की बात करें तो आम आदमी का मतलब है कि वो एक वो लोग हैं जो नेचर से डायरेक्ट कोई चीज सीखते हैं। जब परंपरा में कोई चीज उपलब्ध नहीं होती है और कोई व्यक्ति जब एग्जिस्टेंस में पहली बार किसी चीज को पहचानता है, उसका नाम अनुसंधान है। ऐसा नहीं है कि आदमी के पास नहीं है तो उसको कभी नहीं मिलेगा, इसका ये मतलब नहीं है। आज हमारे बीच में संबंध में तृप्ति पूर्वक जीने की, है ना, समझ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कभी नहीं आएगी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये समझ उपलब्ध नहीं है तो किसी को डायरेक्ट नेचर से सीखना होगा, फिर उसको हम रिसर्च कर सकते हैं। तो एक शब्द अनुसंधान है, एक शब्द शोध है। जब कोई चीज परंपरा में होती है तो दूसरा व्यक्ति शोध पूर्वक उसको स्वीकार लेता है, रिसर्च मारता है। आप गुजराती बोलते हो, मैं भी उसको धीरे धीरे उसको देखता हूँ, रिसर्च मारता हूँ और उसको अपने में पकड़ लेता हूँ। तो जब कोई चीज परंपरा में होती है तो मैं शोध पूर्वक उसको स्वीकार लेता हूँ, उस पर रिसर्च करके उसको पा लेता हूँ। इसलिए कहा कि हर व्यक्ति, हर पैदा हुआ बच्चा जन्म जात रिसर्च स्कॉलर है। हर पैदा हुआ बच्चा जन्म से जिज्ञासु है, रिसर्च स्कॉलर है, क्योंकि वो जिंदगी के हर डायमेंशन में जो कुछ भी परंपरा में उपलब्ध होता है धीरे धीरे उस पर अपना अधिकार बना लेता है। जो चीज परंपरा में उपलब्ध नहीं है, संबंध में तृप्ति पूर्वक जीना परंपरा में उपलब्ध नहीं है। इसलिए मैं कभी कभी मजाक कर लेता हूं कि सभी धर्मों में क्या समानता है, सभी धर्मों में क्या समानता है, सभी धर्मों में पति पत्नी का झगड़ा समान रूप से पाया जाता है। ऐसा बोलने के बाद कितना अपनापन सा लगता है। हाँ, मेरे यहां भी होता है, आपके यहां भी होता है, चलो आओ चुगली चुगली खेलेंगे।
ये पार्क जो है बहुत काम आते हैं। पार्क मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं तो बुजुर्गों की एक टोली होती है, महिलाओं की एक टोली होती है, उस टोली का कभी कंटेंट सुनने को मिल जाए तो अपने अपने घर का जो भी दुखड़ा है वो आदमी किसी से तो शेयर करेगा ना। तो मेरे को ये बात बहुत अच्छी समझ में आई, बहुत ठीक लगी कि हम गलतियों से नहीं सीखते, हम सीखते हैं तो सही का कोई मॉडल उपलब्ध होता है, सही अपने बीच में धारा के रूप में बहता हुआ उपलब्ध होता है। मकान धारा के रूप में बहता हुआ उपलब्ध था तो पहली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी से बेहतर मकान बनाया, गाड़ी बहती हुई थी पहली से अच्छी गाड़ी बनाई, अच्छा मकान बनाया, अच्छे कपड़े बनाए, अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए, अच्छे कैमरे बनाए, सब कुछ अच्छा बनाया, जो पहले से था उससे अच्छा बना दिया, लेकिन जो था ही नहीं, इसलिए पहले झगड़े करने का तरीका अलग था। अभी हो सकता है इंग्लिश में लड़ते हैं, हो सकता है कोई फ्रेंच में लड़ेगा, हो सकता है कोई हिंदी में गाली देगा, कोई हो सकता है गुजराती में देगा, झगड़ा वही है। तो एक तो इस बात पे ध्यान गया। तो दोस्तों ये पूरा वर्कशॉप, ये पूरे 8 दिन की कहानी अपनी ही जिंदगी को तलाशने की कहानी है, अपनी ही जिंदगी की तलाश है।